लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। गंगा में छोड़ा 1.65 लाख क्यूसेक पानी गजरवाला, पहाड़ों पर हो रही झमाझम बरसात की वजह से तिगरी पर गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को हरिद्वार व बिजनौर बैराज से अब तक का सबसे अधिक पानी गंगा में छोड़ा गया है। माना जा रहा है कि बुधवार मध्य रात्रि में तिगरी पर गंगा का जल स्तर बढ़कर 200 गेज के पार पहुंच सकता है। तिगरी में पानी घाटों की तरफ बढ़ रहा है, इसको लेकर खादर किसानों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बाढ़खंड ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि गंगा खतरे के निशान से अभी दूर है। सप्ताह भर से पहाड़ों पर तेज बरसात का सिलसिला चल रहा है। बरसात का पानी भारी मात्रा में हरिद्वार बैराज में एकत्र किया जा रहा है। बैराज में पानी अधिक हो जाने की वजह से मंगलवार को 1,03,309.00 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं बिजनौर बैराज में भी पानी की मात्रा अधिक हो जाने से 62,522 क्यूसेक पानी गंगा में डिस्चार्ज किया गया। यह पानी तेजी के साथ तिगरी में गंगा की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मंगलवार सुबह को तिगरी गंगा का जल स्तर 199.10 गेज दर्ज किया गया, लेकिन दोपहर 12 बजे इसमें 20 सेमी व दोपहर 2 बजे 40 सेमी की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। इसके बाद भी जल स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। यदि इसी मानक के अनुरूप जल स्तर में वृद्धि होती रही तो मंगलवार रात 12 बजे तक गंगा का जल स्तर तिगरी में 200 गेज को पार कर सकता है। खास बात यह है कि यदि तिगरी में गंगा का जल स्तर 200 गेज हो जाता है तो ओसीता जगदेवपुर समेत कई गंगा किनारे गांवों के कृषि क्षेत्रफल में बाढ़ का पानी पहुंच जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए खादर किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बाढ़खंड के अफसरों ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि यदि तिगरी में खतरे के निशान की बात की जाए तो गंगा करीब 1.25 मीटर नीचे बह रही है। पहाड़ों पर अच्छी बरसात होने की वजह से मंगलवार को हरिद्वार व बिजनौर बैराज से करीब 1.5 लाख पानी गंगा में छोड़ा गया है। इससे गंगा का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले 12 घंटों में इसका असर ठीक से दिखाई देगा।